देख के जाएंगे समझ से ना के चलो है भाई ऐसे ही थोड़ा ना बताना ऐसे ही तो बताना जैसे बैठो हम बता रहे हां जो सही बताया देखो एक्चुअली दिखा रहे देखो इसमें इसमें भी छा है इसमें भी छा है इसको क्या बोलते हैं छा को क्या बोलेंगे बेस बेस ना इसमें भी छा है इसमें भी छा है दोनों में छा है ना सेम बेस है तो ये जो है ना भागे है तो इसको एक घात घट जाएगा इसका नहीं बताए थे बेस जब बराबर रहता है और जब बूढ़ा रहता है तो घात जुड़ जाता है और जब भाग रहेगा तो घात घट जाएगा तो तीन में तो देखो कैसे करोगे छह लिखोगे बार पचहत्तर को छह नहीं लिखना है इसमें एक ही एक ही रूप लिखोगे और इसके बाद तीन लिखोगे और यहाँ पे देखो ए प्लस फाइव है ना तो इसको घटाना है तो इसको प्लस हम फाइव नहीं लिख सकते हैं दो बच्चे एक साथ आ जाएगा तो इसको कोष्टक में डाल देंगे प्लस फाइव है ना अब देखो छ पे अब थ्री में थ्री माइनस फाइव यही तो बताए थे अब घट अब इसको घटा देंगे सिक्स पे कितना रहेगा माइनस टू माइनस टू स्कूल में कोई का एक ही बार में लिखा जाता है बेस जो है बस एक ही बार लिखा जाता है उसी तरह काम किए उर्दू बार लिखी है दिखा आपको अरे हेलो